अपने दौर में बॉलीवुड के बड़े स्टार रहे गोविंदा के आउटफिट बड़े कलरफुल होते थे। गोविंदा का क्रेज ऐसा था कि फिल्मों में उनके पहने कपड़ों की तरह रियल लाइफ में भी लोग खूब रंग बिरंगे कपड़े पहनने लगे थे। लेकिन अपने इस आइकॉनिक स्टाइल के लिए पॉपुलर गोविंदा ने जब अपनी एक शर्ट सीनियर एक्टर राजकुमार को गिफ्ट की तो उनके साथ कुछ ऐसा सलूक हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। राजकुमार के साथ तिरंगा जैसी जोरदार हिट दे चुके डायरेक्टर मेहुल कुमार ने अब पूरा किस्सा बताया है। उन्होंने बताया कि गोविंदा ने राजकुमार को शर्ट गिफ्ट की और उन्होंने उस शर्ट का रुमाल बनवा दिया। गोविंदा और राजकुमार ने साथ में दो फिल्में की थी। पहली बार इन दोनों ने 1987 में मरते दम तक में साथ काम किया था और दूसरी बार फिल्म जंगबाज के लिए साथ आए थे। डायरेक्टर मेहुल कुमार ने बताया कि ये किस्सा जंगबाज के सेट का है। बॉलीवुड ठिकाना से बातचीत में मेहुल कुमार ने बताया, एक बार गोविंदा ने सेट पर काफी वाइब्रेंट शर्ट पहनी थी जो राजकुमार को बहुत पसंद आई। उन्होंने जब कॉम्प्लीमेंट दिया तो गोविंदा को समझ नहीं आया, तो अगले दिन गोविंदा ने वही शर्ट उन्हें गिफ्ट कर दी, जिसका राजकुमार ने अगले दिन सेट पर ही रुमाल बनवा लिया और वो उसे अपने नाक हाथ पोंछने में इस्तेमाल करने लगे। गोविंदा इस बात पर रिएक्ट ही नहीं कर पाए थे। मुझे यकीन है कि उन्हें बहुत अजीब लगा होगा। मेहुल ने यह भी बताया कि एक बार राजकुमार ने गोविंदा के बारे में उनसे पूछा था, मेहुल ये हमेशा नाचता ही रहता है, उन्होंने आगे बताया। राजकुमार से ये सुनने के बाद मैं हंसने लगा और मैंने कहा, वो डांसर है। तो राजकुमार का रिएक्शन ये था कि तो वो सेट पर भी क्यों नाचता रहता है। उन्होंने कभी गोविंदा के सामने ये बात नहीं कही। आपको बता दें कि इंडियन सिनेमा के दमदार एक्टर्स में गिने जाने वाले राजकुमार को उनकी तुनक मिजाजी के लिए भी जाना जाता है। वो कब किस बात से खफा हो जाएंगे इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। राजकुमार ने 69 की उम्र में 3 जुलाई 1996 को अपनी आखिरी सांसें ली थी। उन्हें तिरंगा, पाकीज़ा और मदर इंडिया जैसी फिल्मों के लिए लोग आज भी याद करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकअप्स।